नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और एग्जाम गुरु जी के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। मध्य प्रदेश के साथ साथ यहां पर अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय वो करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम एमपीपीएससी और व्यापम जो कि मध्य प्रदेश के एग्जाम होते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती हैं। उन खबरों के साथ मैं आप सभी का यहाँ पर एक बार स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर लगातार उपलब्ध रहती है, आप कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप पिछली पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे उनकी पीडीएफ डली हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। सुबह के 7 बजे के आसपास ये पीडीएफ डाल दी जाती है, तो इसको डाउनलोड करना नहीं भूलें। साथ ही में जो हमारे इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहते हैं। और यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको इसकी नोट्स की रिक्वायरमेंट है और आप थोड़ा बहुत सीरियस है तो एग्जाम गुरु जी के अपडेटेड नोट्स प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। ये पूरी तरह से अपडेट कर दिए गए हैं। जो भी एरर्स थे मुख्य परीक्षा के नोट्स में, कुछ एरर्स आ रहे थे, उन्हें सुधरवा दिया गया है। वर्तनी की जो दिक्कतें थी उन्हें भी सुधरवा दिया गया है। इसी प्रकार से प्री के नोट्स भी अपडेट कर दिए गए हैं। देखिए, कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं जो आपको स्वयं से करने होंगे। वो आप आज जैसे आज आपके पास नोट्स डिलीवर हुए और पता चला कोई रिपोर्ट आ गई, तो आप ये कहें कि नहीं सर आपने वो अपडेट नहीं किया, तो वो हम आपको करंट अफेयर में बताते ही हैं। तो करंट अफेयर में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो कि आपके नोट्स पे अपडेट करने लायक होते हैं, तो हम करंट अफेयर जो लेकर आते हैं या देखते हैं वो उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण बोले तो यही रहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपने नोट्स पे या बुक पे अपडेट करते रहने चाहिए, तभी आपकी बुक क्या रहेगी, अपडेट रहेगी। तो आपको खुद से करना होगा। नोट्स के साथ आपको मिल रहा है यहाँ पर ऑफर, मुख्य परीक्षा के साथ आपको मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज मिल रही है। साथ में यदि आप प्री के नोट्स खरीदते हैं जिन्होंने अभी शुरुआत करी है, तो डेली आंसर राइटिंग एक फॉर्मेट है जो आपको मिल रहा है, जिसके आप प्री और प्लस मेंस दोनों की तैयारी आपकी धीरे धीरे साथ में हो जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है। शाम को 6 बजे के बाद आपके ये फोन नहीं लगते हैं, लेकिन आप इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगले दिन आपके पास यहाँ से कॉल आ जाएगा। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आज का एक हमने शुरुआत करी है मोटिवेशन सेक्शन की, तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के गौरव आजाद से शुरुआत करेंगे। दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो, प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता अपने आप की एक लड़ाई है। देखिए, आपने इसका पूरा यदि आप कंक्लूजन निकालेंगे, तो हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपने जितने भी सफल लोगों को देखा होगा उनकी एक बात हमेशा आपको कॉमन मिली होगी, ठीक है, कि सेल्फ मोटिवेशन, यानी आपका खुद के प्रति क्या होना चाहिए, आप खुद से मोटिवेटेड होने चाहिए, आपके अंदर स्वयं से आपके क्या कहते हैं आत्मा, आपका मनोबल खुद का होना चाहिए, आपके अंदर स्वयं की एक प्रेरणा होनी चाहिए, यानी स्वप्रेरित होना चाहिए। आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे, बात आपसे पूछा जाएगा, चाणक्य तक ने कहा है कि आप कोई भी कार्य करने से पहले आप पूछिए, कि स्वयं से पूछिए कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, किस उद्देश्य से कर रहा हूँ, यही एक सेल्फ मोटिवेशन है। तो यहाँ पर आजाद जी भी यही कह रहे हैं कि आप दूसरों के साथ कंपटीशन मत करिए या दूसरों को देख करके डिमोटिवेट मत होइए, आप अपने स्वयं को देखिए कि मैंने आज दिन भर क्या किया, ठीक है, और उसके बाद आप ये स्वयं की लड़ाई है। यदि आज मैं मुझे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करनी थी या 2 यूनिट कोई सब्जेक्ट की कंप्लीट करनी थी, यदि वो मैं नहीं कर पाया, तो इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है, हमारा स्वयं का दोष है। हमने अपना जो एक समय था, कीमती समय था, उसको कहीं और व्यस्त किया, तभी आज हम अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाए। तो ये सेक्शन हम आपको लेकर के आएंगे। ये विचार केवल पढ़कर के उसको भूल जाने वाली बात नहीं है, इसे हमें दिन भर अपने दिमाग पर रखना चाहिए। जो भी सफल लोग होते हैं, आपको उनमें एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, यानी वो SM होते हैं, उनके अंदर स्वयं की एक प्रेरणा होती है, उस प्रेरणा के साथ वो कार्य करते हैं, उनकी लड़ाई स्वयं के साथ होती है, किसी दूसरे के साथ कभी उनकी कोई लड़ाई नहीं होती, उनका अपना एक लक्ष्य होता है, और अपने साथ ही वो खुद बोलते हैं ना कि अपने स्वयं के साथ जूझते रहते हैं, अपने में खुद में सुधार करते रहते हैं और कभी भी सीखना नहीं छोड़ते। तो ये लड़ाई आपकी है और स्वयं की है, इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं है यदि आप फेल होते हैं तो। अब कई छात्रों ने ये कहा है, आज हमारे पास कई कॉल्स आए थे कि सर अभी हाईकोर्ट का ऐसा ऐसा डिसीजन आया 2019 को लेकर के, तो क्या 20 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, 21 में क्या प्रभाव पड़ेगा, 22 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपसे लगातार करंट अफेयर्स में एक चीज बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम होने हैं, रिजल्ट उसके आने हैं, सिलेक्शन होना है, ये तीनों चीजें सिर्फ उनके साथ होनी है जो अपने लक्ष्य पे, जो उनका एक एम है उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, अपना चल रहे हैं, ठीक है। कोर्ट ने ये कहा, नेताजी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, पता चला किसी फलाने ग्रुप पे ये बात हो गई है, दूसरा पिटीशन दायर करने जा रहा है, फिर एक आदमी आ रहा है वो चंदा इकट्ठा कर रहा है, ये सारी चीजें
आपके साथ हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन आप जब रिजल्ट आता है तो आप क्या करते हैं, बाकी लोगों के जब आप इंटरव्यू सुनते हैं, चाहे वो पीएससी में हो, यूपीएससी में हो या व्यापम में हो, जो एसआई हुए हैं, आप उनको देखेंगे। मैं आज भी ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो लगातार आज भी रनिंग कर रहे हैं और आपको ग्राउंड पे मिलेंगे, और आपको पता है कि एमपीएसआई की वैकेंसी कब से नहीं आई। पर मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो सुबह उठते हैं और रनिंग करने जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस आज भी उसी प्रकार से चल रही है। पीएससी के ऐसे छात्रों को जानता हूँ जिनको जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें एक चीज मालूम है कि एग्जाम होंगे। क्योंकि अभी क्या है कि जो भी ये विवाद चल रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। ये हर स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत भी समझदार है वो समझता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड इवेंट है। जिस दिन चुनाव हो जाएंगे या कोर्ट का डिसीजन उसी दिन आ जाएगा, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। केवल वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो अपने लक्ष्य की ओर लगातार चल रहे थे। जिन्होंने बीच में छोड़ दिया, जो ये राइट साइड मुड़ गए या लेफ्ट साइड मुड़ गए, ठीक है, वो लेफ्ट या राइट में ही खड़े रह जाएंगे, जो अपने लक्ष्य की तरफ स्ट्रेट चल रहे थे, कैसी भी परिस्थितियां थी उससे लड़ रहे थे। क्योंकि पूरे के पूरे यहाँ पे जो आपने पढ़ा, उनका यही कहना है कि ये अपने आप की लड़ाई, यानी आपके सेल्फ मोटिवेशन की लड़ाई है। एग्जाम में हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि सिलेबस को पढ़ लेना, सिलेबस को पढ़ लिए पता चला हम सोच रहे कि नहीं सिलेक्शन हो जाएगा, और एग्जाम में हम 5 नंबर से चूक गए, 1 नंबर से चूक गए, 10 नंबर से चूक गए, कुछ नंबरों से हम चूक गए, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, एग्जाम में लड़ाई साथ साथ में इसकी भी होती है। ये आपके एक संघर्ष, इसे ही हम लोग संघर्ष कहते हैं, कि एग्जाम आज 19 का एग्जाम 22 में हो रहा है, 22 खत्म होने वाला है, 23 में हो रहा है मुख्य परीक्षा, यानी कितने लंबे वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें मेंस देने को मिलेगा, फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप उन जब वो सेलेक्ट होंगे स्टूडेंट्स, आप उनकी बातों को सुनिएगा। जिस दिन उनका सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आएगा और आपको इंटरव्यूज मिलेंगे, आप उनकी बातों को सुनिएगा। उनके अंदर एक चीज आपको हमेशा कॉमन मिलेगी कि वो लगातार अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहे, उन्होंने अपना परिश्रम नहीं छोड़ा, उन्हें ये विश्वास था कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मुझे क्या, मेरी तैयारी कितनी होगी, आज नहीं तो कल, कल जब एग्जाम होगा तो क्या आज आपकी उतनी तैयारी है कि कल एग्जाम हो तो आपको आप उसमें बैठ करके आप सिलेक्शन ले सके। लेकिन आपको ये पता है कि प्री एग्जाम सभी के हो जाने हैं, मेंस में प्रॉब्लम जा रही है, प्री तो सभी के हो जाने हैं, लेकिन मेंस वही देंगे जिन्होंने प्री की एग्जाम की तैयारी अच्छी कर रखी है। व्यापम के एग्जाम्स में भी यही हाल होना है, एग्जाम सबका कंडक्ट हो जाएगा, सिर्फ रिजल्ट को लेकर के इशू होना है। जितने भी इशूज आएंगे आपको सिर्फ परिणामों के आएंगे, ठीक है, पर परिणाम से पहले क्या होनी है, परीक्षा होनी है। आप तो ये बताइए आपकी परीक्षा की तैयारी है कि नहीं, परिणाम के बारे में सोचना बंद करिए। हमेशा कहा जाता है, गीता में भी कहा गया है कि आपका काम कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। तो आप फल किसके ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, आप अपना कर्म करो। तो कर्म हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी परीक्षा की तैयारी है, क्या हमारी परीक्षा की तैयारी है उतनी की नहीं है। यदि नहीं है तो फिर हमें परिणाम से डरना स्वाभाविक है, हम परिणाम को लेकर के डरेंगे ही, क्योंकि वही डर रहा है जिसकी प्रिपरेशन नहीं, जिसके प्रिपरेशन है उसे परिणाम से कोई मतलब नहीं, उसे पता है आज नहीं तो कल परिणाम आएगा और मेरा वो परिणाम मेरे प्रति क्या रहेगा, सकारात्मक रहेगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि जो सिलेबस दिया गया है हमें उससे पढ़ना है, बाकी के देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मैं प्रिपेयर रहूंगा, बैठूंगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा मुझे इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरा उस पे नाम है। आप सभी के मित्र हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं। तो ये थी आज की बातें, करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं हम, पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा उसके रिवीजन के साथ में। थोड़ा सा समय आपका ले लिया, आवश्यक था, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे फोन आए थे, बहुत डिमोटिवेट भी थे, और हमारा दायित्व है कि हमारे ऐसे छात्र जो हमसे लगातार जुड़े हुए रहते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करके रखना। क्योंकि हम कितने भी सेल्फ मोटिवेटेड हो, हर व्यक्ति के अंदर कभी ना कभी एक नकारात्मक भाव आ जाता है, हर व्यक्ति उस दौर से गुजरता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके साथ होता है, एक अंदर से ऐसा एक फीलिंग आती है कि अब क्या होगा। इन चीजों पे नहीं पड़ना है, हमें अपना काम करना है। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है, ये नए नहीं है, पुराने वाले ही है, लेकिन इनके साथ कार्यकाल नया जुड़ गया है। इसके बाद देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, ये 15 अगस्त 2023 तक खोल दिए जाएंगे। भारत दुनिया का जो सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची है उसमें 87वें नंबर पर है, 87th पोजीशन पे है। हाल में भारत को कार्बन न्यूट्रल फार्म का एक उद्घाटन किया गया है, ठीक है, जहां पर कार्बन न्यूट्रल खेती होगी और वो जगह है केरला। सरकार ने पीएम स्वनिधि जो योजना चल रही है इसका विस्तार कर दिया है और दिसंबर 2024 तक इसका विस्तार किया गया। पीएम स्वनिधि योजना आपको पता है कि जो छोटे
उद्योग करते हैं या जो छोटी दुकानें लगाते हैं, छोटे मोटे रेहड़ी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनके लिए एक योजना चालू करी गई है और बहुत ही अच्छी योजना है, मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि योजना। इस सरकार की जो भी वर्तमान में सरकार है, इनका एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, क्योंकि उन्हें बहुत आवश्यकता थी। बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा 60 मेगावाट के अभी क्या किया जा रहा, सोलर पावर प्लांट लगाना है और उसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया इसके लिए, इंदौर में किया। डिटेल मैंने आपको बताई थी ग्रीन बॉन्ड होता क्या है पिछले करंट अफेयर में, आप उसको एक बार सुन लेंगे ध्यान से तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। मध्य प्रदेश में सरकार ने जो SRI योजना है इसमें शामिल है, तो मध्य प्रदेश के 3 जिले शामिल है। इसका जो संबंध है वो नक्सलिज्म से है। इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड है, ये उर्वरक संयंत्र लगाने वाला है झाबुआ में। यहाँ पे DAP वगैरह आपको मिलेगी, जो उर्वरक होते रासायनिक उर्वरक होते वो मिलेंगे। प्रोजेक्ट समग्र मध्य प्रदेश शासन द्वारा चालू किया गया महिला एवं बाल विकास के द्वारा। और हाल ही में क्या हुआ, राज शूटिंग अकेडमी जो हमारे यहाँ चल रही भोपाल में, उसमें हरियाणा के अनिश बनवाल है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के साथ। निम्न में से किस भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक को, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, इनको राष्ट्रपति अमेरिकी जो अमेरिका के राष्ट्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है, इसे सम्मानित किया गया और वो है कृष्णा वविलाला। तो डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये अपने आप का बहुत बड़ा सम्मान होता है यूएसए में, और ये हमारे भारत के भारतीय मूल के हैं, लेकिन इन्होंने जो नागरिकता ले रखी है वो अमेरिकी नागरिकता ले रखी है, कृष्णा वविलाला। ये क्या है कि इनको जो अमेरिकन का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है, वो सर्वोच्च सम्मान होता है, वो इन्हें दिया गया है। और इन्होंने वहाँ पे जो समुदाय है उनके लिए अच्छे चरित्र, नैतिकता, समर्पण का प्रदर्शन किया है। इनका अपना वहाँ पे एक NGO चलता है और उसका नाम रखा है इन्होंने इंडो अमेरिकन ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट, और इस पे इन्होंने काफी सारे काम किए, सोशल वर्क किया है, इसके लिए इनको दिया गया। साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है। मूल रूप से जो रहने वाले हैं ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, फिर अमेरिका में चले गए और वहां पर जाकर के US की नागरिकता ले ली है इन्होंने। तो हमारे यहाँ देश में कानून है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी यहाँ की नागरिकता स्वयं खत्म हो जाती, तो अब ये अमेरिकी मूल के नागरिक हो चुके हैं। तो फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडीज इनका संस्थान है जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA का अभी उद्घाटन किया गया है, तो ये संस्थान किस जगह पे है, नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही। और इसका अभी हाल ही में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने 3 जो आयुष संस्थान होते हैं हमारे, आयुष संस्थानों की क्या करा है, इनॉग्रेशन करा है। तो ये तीनों अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन क्या हुआ था कि जो गोवा में पणजी वहां की राजधानी है, वहां पे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था जहां पर इसकी शुरुआत की गई है। तो PM ने गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का एक उद्घाटन किया है। 3 संस्थान है इसमें से, तो जो गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का एक यूनिट खोली है उन्होंने, ठीक इसी प्रकार से गाजियाबाद में उन्होंने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की क्या करते हैं स्थापना की है। साथ ही में दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये तीनों संस्थान जो होंगे, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी, ये इनसे मिलकर के बना है आयुष मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय, ये तीनों उसी के अंतर्गत होंगे जो प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, इसमें एलोपैथी नहीं आता। ये सभी के सभी हमारे यहाँ केंद्रीय जो आयुष मंत्रालय है उसके अंतर्गत आते हैं। और इस वर्ष का जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस था, इसका विषय था एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, ठीक है, और इसका पणजी में आयोजन किया गया था। यदि बात करें हम लोग राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की, तो ये क्या है, ये अखिल भारतीय जो आयुर्वेद संस्थान है, ये हमारा आयुर्वेद का शीर्ष संस्थान है, मुख्य संस्थान है, और ये नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। और गोवा जो है इसकी एक शाखा होगी जो कि उधर के लिए होगी, ठीक है, नई दिल्ली की ये शाखा होगी। वहीं पे बात करें राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की, जिसमें यूनानी पद्धति से इलाज किया जाता है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2004 में की गई थी, आयुष मंत्रालय के तहत की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय यूनानी जो चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में भी, इसको जो नया इनोग्रेट किया गया है, ये इसी की एक क्या रहेगी, शाखा रहेगी। यदि आपसे कल को पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है, तो इसकी जो मुख्य शाखा है वो बेंगलुरु में है, इसकी एक ब्रांच जो उत्तर भारत के लिए खोली गई है वो गाजियाबाद में खोली गई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो गाजियाबाद का यूनानी चिकित्सा संस्थान होगा, ये उत्तर भारत को कवर करेगा, जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे जो ये राज्य है मध्य प्रदेश भी इसमें आ जाएगा। तो इन सभी क्या करेगा, इनकी यहाँ के जो रोगी होंगे कहाँ पे जाएंगे, गाजियाबाद की तरफ जाएंगे। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, बात करें थी राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की, जो कि दिल्ली में है, मुख्य जो इसका संस्थान है वो दिल्ली में है। यह अपने आप का पहला संस्थान है जो कि किस पे, होम्योपैथी के लिए खोला गया है, और ये भी पूरा उत्तर भारत कवर करेगा, लेकिन इसकी जो मुख्य ये शाखा रहेगी वो कहाँ रहेगी, कोलकाता में है। तो राष्ट्रीय
होम्योपैथिक संस्थान की बात करी जाए तो ये कलकत्ता में है, इसकी एक शाखा दिल्ली में खोली गई है। ये भी पूरा का पूरा हमारा जो होम्योपैथिक के जो इलाज कराना चाहते हैं उत्तर भारतीय, वो यहाँ पर जाएंगे, तो जो लोड बढ़ रहा है कोलकाता की तरफ वो कम होगा। और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान जो कलकत्ता है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यहाँ पर अनुसंधान होता है, साथ में इससे जुड़ी हुई जो शिक्षाएं होती है वो भी यहाँ पे दी जाती है। और जो आयुष मंत्रालय होता है, वो तीन हमारे जो आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, यूनानी हो गया, सिद्ध हो गया, होम्योपैथी चिकित्सा हो गई, यानी जो प्राकृतिक चिकित्सा, जो हमारी पुरातन चिकित्सा पद्धति है, उसके सभी जो अंग हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को की गई थी। जो पारंपरिक हमारी चिकित्सा प्रणाली है, इसको वापस फिर से जीवित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और आप सभी को पता है कि कोरोना के समय में इस चिकित्सा पद्धति में बहुत सारे लोगों को क्या किया था, ठीक भी किया था। और इसके अंतर्गत सभी केंद्र जो होते हैं आते हैं। और वर्तमान में इसकी बात करी जाए, मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल है, जो पहले नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में, अभी एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, वो कौन सा हवाई अड्डा है जिसका नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है? तो उसका राइट आंसर होगा मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जब ये आयुष मंत्रालय का कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर ही प्रधानमंत्री ने गोवा में इसका इनॉग्रेशन किया है। इसका नाम मोपा है जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था। अब इन्हें पूर्व जो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री थे, जिनके समय पर पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उनके नाम से किया जाएगा। भारत के बहुत ही ईमानदार रक्षा मंत्रियों में इनकी गिनती होती है, IITian रहे हैं और गोवा में भी लगातार बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। एक बहुत ही ईमानदार पॉलिटिशियन, राजनीतिक के रूप में इनकी एक छवि थी, बहुत जमीनी नेता थे, स्कूटर से चलते थे अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी, बहुत सामान्य जीवन जीते थे और अच्छे नेताओं में रहे ये, तो ये लगातार मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद इन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था, फिर इनकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी और 2020 में इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। मोपा जो एयरपोर्ट है, ये गोवा का दूसरा हवाई अड्डा है, ठीक है। गोवा का पहला जो हवाई अड्डा था वो डाबोलीम था। और बात करी जाए गोवा की, तो 19 दिसंबर 1961 को इसका क्या हुआ था, जो हमारे यहाँ ऑपरेशन विजय चला था, उसके बाद इसका भारत में विलय हुआ था। इसके पहले यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन रहा है लगातार, तो यहाँ पर गोवा में आपको बहुत सारा जो कल्चर है, या आप ये कहें जो मकान बने हुए हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, उसमें आपको पुर्तगाली टच बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो जब ऑपरेशन विजय चला था, तो उसके साथ साथ गोवा, दमन, दीव, ये सभी को क्या किया गया था, इसको स्वतंत्र कराया गया था और हमारे भारत के साथ इसको जोड़ लिया गया था। और 30 मई 1987 को इसको केंद्र शासित प्रदेश से विभाजित किया गया, गोवा को राज्य बनाया गया और भारत का ये 25वां राज्य बना था। भाषा यहाँ की कोंकणी है गोवा की। राज्यपाल P.S. श्रीधरन है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, राजधानी यहाँ की पणजी है, जिसे पंजिम भी कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। निम्न में से कौन सा शहर भारतीय अध्यक्षता के तहत पहली जो G20 की वित्त ट्रैक बैठक होने वाली है, उसकी मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु वित्त ट्रैक की जो बैठक होने वाली है G20 की, इसकी मेजबानी करने वाला है। यहाँ पर हमारे वित्त मंत्रालय और हमारे जो बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, बाकी के जो बैंक हैं, उनके सभी के जो प्रमुख होते हैं वो वहां पर बैठेंगे। और वित्त से जुड़ा हुआ, वित्त ट्रैक से, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर किन किन चीजों पर बात होगी, वित्त से संबंधित क्या क्या हम लोग लाभ ले सकते हैं G20 में, अन्य देशों के साथ हमें क्या OMU साइन करने चाहिए, किनका हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, दूरगामी क्या प्रभाव होगा, तात्कालिक क्या होगा, हमारे देश की आवश्यकता क्या है, इन सब चीजों में एक पूरी तरह से एक योजना बनेगी। अब भारत अध्यक्षता ले चुका है, तो समिट नेक्स्ट ईयर सितंबर में होनी है, लेकिन एक बहुत लंबा समय होता है, तो राजनयिक आते हैं, उनके साथ बहुत सारी बैठकें होनी है, लगभग सब आसपास 100 से 150 बैठकें अभी होने वाली हैं, जिस तब जाकर के वो आयोजन, क्योंकि जो डेलीगेट्स आते हैं ये पहले बैठक करके सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं, फिर राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, सिर्फ उनका काम सिग्नेचर करना होता है, लेकिन बैकग्राउंड में ये सारी चीजें एक बहुत लंबा, बोलते हैं ना कि एक थिंक टैंक बैठते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, इसके बाद उसके भी उसका प्रभाव बहुत लंबा होता है। तो ये बैठकें आयोजित लगातार चलती रहेंगी, लेकिन जो शेरपा बैठक आयोजित की गई थी सबसे पहली, तो वो कहाँ की गई थी, वो जयपुर में की गई थी, सॉरी उदयपुर में की गई थी, पहले G20 की जो बैठक हुई थी। और हमारे देश की यदि बात करी जाए, शेरपा कौन है, शेरपा के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ, शेरपा जौन होते हैं, या अपने देश के यदि आपको बात करी जाए G20 के शेरपा कौन है, तो आपको याद रखना अमिताभ कांत हैं, जो कि पहले नीति आयोग के CEO भी रहे हैं, ठीक है। तो ये रिटायर्ड IAS हैं, इन्होंने VRS ले लिया था,
और अमिताभ कांत हमारे देश के शेरपा। शेरपा होता क्या है, देखिए अब क्या है कि जो G20 में OMU साइन होंगे उसमें जो सिग्नेचर होंगे किसके होंगे, राष्ट्राध्यक्ष के होंगे, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के होंगे, ठीक है, और अन्य देशों के जो राष्ट्रपति आएंगे उनके होंगे। लेकिन इनके सिग्नेचर करने से पहले, ठीक है, जैसे अभी ये बैठकें चल रही, वित्त ट्रैक की बैठक चल रही है, इसके अलावा बहुत सारी अभी बैठकें आयोजित की जाएंगी, तो अब क्या होगा, इन बैठकों में जो प्रमुख रहेंगे, जो इसका नेतृत्व करेंगे, वो शेरपा करते हैं, यानी उस राष्ट्राध्यक्ष के आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि दूत होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इनके ऊपर दारोमदार होता है कि पूरा अपने जितनी भी बैठकें होंगी उसमें क्या क्या क्लॉज होंगे, क्या जुड़ेंगे, क्या घटेंगे, देश को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किस प्रकार से उन्हें मनाया जाए कि ये हमारे साथ एग्री हो जाए, ठीक है, कई दौरों की बैठक का पूरा का पूरा ये एक तरह से ये दूत होते हैं, सारे निर्णय लेने का इनको अधिकार दे दिया जाता है, ये उस पर बात करने के बाद एक फाइनल डिसीजन तक इसको ले जाते हैं और लास्ट में सिग्नेचर बस की एक प्रोसेस रह जाती है। जो G20 समिट होगी सितंबर में, तो सिर्फ सिग्नेचर की एक प्रोसेस रह जाएगी, ये पूरा का पूरा दारोमदार इनके पास रहता है। भारत G20 की जो अध्यक्षता की थीम डिसाइड किया है वो किया है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, जिसके आधार पे ये पूरा का पूरा हमारा क्या रहेगा, थीम रहेगा, और हमारा G20 ट्रैक जो चलेगा वो इसी पर चलेगा। हाल ही में विक्टर एक्सेलसेन ने BWF की वर्ल्ड टूर फाइनल जीता है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी हैं डेनमार्क के, और ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, और इन्होंने अभी क्या हुआ है कि पुरुषों की तरफ से, ठीक है, ये वैसे भी वर्तमान में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में भी विनर रहे हैं, तो ये डेनमार्क की जो विक्टर एक्सेलेशन है, ये इन्होंने बैंकॉक में जो चल रहा था सीजन एंड वर्ल्ड टूर फाइनल्स में, इन्होंने इंडोनेशियाई जो खिलाड़ी थे एस एंथोनी गिटिंग को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है। वहीं पर महिलाओं की बात करी जाए तो जापान की अकाने यामागुची, इन्होंने ताइवान की खिलाड़ी को हरा करके ये खिताब जीता है, ठीक है, और ये पहले से भी लगातार, यामागुची जो है 97 में भी पहली महिला खिलाड़ी बन गई थी जापान की, वर्ल्ड टूर फेडरेशन के अनुसार ये ऑल इंडियन ओपन विश्व चैंपियनशिप एक ही वर्ष में सीजन के अंत में फाइनल करने वाली ये अकेली मात्र खिलाड़ी है जापान की। और जो BWF वर्ल्ड टूर है, ये वर्ल्ड टूर फेडरेशन, वर्ल्ड फेडरेशन का क्या कहते हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसमें महिला और पुरुष मिक्स दोनों का खिलाड़ी होते हैं, इसमें सिंगल्स में महिला पुरुष भी होते हैं, डबल्स में पुरुष महिलाओं का मिश्रित होता है, और शीर्ष रैंक वाले जो खिलाड़ी होते हैं इसमें इनकी ओपन प्रतियोगिता होती है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की तरफ। छठवां प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, सकारात्मक सामाजिक प्रभावों के लिए अभिसरण सुशासन समागम का एक आयोजन होना है, ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये आयोजन किया जा रहा है भोपाल में, और इसकी डिटेल्स देखिए यहाँ पर, देखिए इस समागम में जो होने वाला सुशासन समागम, ये इसमें क्या होंगे, युवा जो प्रोफेशनल्स हैं वो आएंगे, थिंक टैंक फाउंडेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षणिक संस्थान, इन सब चीजों से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, ये लोग यहाँ पर बैठेंगे, किस प्रकार से एक तो पूरा का पूरे जो मैनेजमेंट स्किल जिनके अंदर अच्छी होगी, किस प्रकार से सुशासन बढ़ाया जाए, फोकस क्या किया जाए, रूरल डेवलपमेंट को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या फैसिलिटीज, क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए सरकार के, इन सब चीजों पे यहाँ पे पूरा मंथन होगा, सरकार को गाइड करेंगे, सरकार उसके हिसाब से क्या करेगी, योजना बनाएगी। तो हमारे यहाँ का जो थिंक टैंक है वो है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, एक तरह का मध्य प्रदेश का ये थिंक टैंक है कि जो गवर्नमेंट को क्या करता है, गाइड करता है चीजों को आसान करने में, कि आप जो भी एक तरह से जो रुकावटें होती हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, इन सब चीजों में गाइड करता है। इस संस्थान के जो उपाध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हैं, और ये हमारे यहाँ का जो राज्य नीति आयोग है उसके भी उपाध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी कहाँ पर है, तो ये है भोपाल पे, और अभी यहाँ पर क्या है, जो ये भोपाल का विशन खेड़ी जगह है वहां पर है मध्य प्रदेश की राज्य घुड़सवारी अकेडमी, यहाँ पर चल रही है जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी टूर्नामेंट, इसकी शुरुआत हो चुकी है, लगभग 25 दिसंबर तक चलेगी, तो इससे जुड़ी हुई खबरें आपके पास आती रहेंगी। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राज्य घुड़सवारी अकेडमी कहाँ है, तो भोपाल में है, यदि ऑप्शन में बिशन खेड़ी रहे तो बिशन खेड़ी पे हमें रखना है। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन यहीं पर हो रहा है, भारत के लगभग कई राज्यों के खिलाड़ी आ रहे हैं, 16 राज्यों के 200 राइडर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो खेल मंत्री, युवा एवं कल्याण मंत्री वो कौन है, तो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ, मध्य प्रदेश में होने वाला है युवा समागम कार्यक्रम, इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा 13 जनवरी को। दो डेट्स हैं, दो डेटों को लेकर के आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है,
12 जनवरी को क्या होता है, स्वामी विवेकानंद की क्या होती है, जयंती होती है। तो इस दिन ये क्या मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है। तो युवा संवाद का जो कार्यक्रम होगा वो होगा 12 जनवरी को, कहाँ होगा, मुख्यमंत्री निवास पर होगा, ठीक। लेकिन इससे जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है वो होने वाला है 13 जनवरी को, यानी अगले दिन। इस दिन होगा युवा समागम कार्यक्रम, यहाँ पर युवाओं को बुलाया जाएगा, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे, जिन्होंने एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जिन्होंने कुछ स्टार्टअप्स किए हैं, जो मोटिवेट करेंगे युवाओं को, और सरकार यहीं पर युवा नीति की क्या करेगी, घोषणा करेगी, युवाओं के लिए कुछ लेकर के आएंगे। इसका आयोजन 13 जनवरी को होगा, तो युवा समागम जो होगा वो 13 जनवरी को होगा, युवा दिवस के अगले दिन। और साथ ही में जो पूरे यंग अचीवर्स हैं, जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, उन पर एक डिजिटल बुकलेट का भी प्रकाशन किया जाएगा, युवा नीति भी घोषित होगी, साथ ही में युवाओं के लिए एक पोर्टल का भी शुरुआत की जाएगी, साथ ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं का क्या होगा, सम्मान समारोह भी होगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह का किस खेल से है संबंध, किस खेल से है, आंसर ही यहीं पे जुड़ गया है, साथ में उसके लिए माफी चाहेंगे। तो शूटिंग से है, देख लेते हैं क्यों खबरों में। तो अभी क्या है कि जो केरल के तिरुवनंतपुरम के वट्टीयूरकाव में, मोटा मोटा याद रखना, केरल में 65वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की हमारी जो एकेडमी है, राज्य शूटिंग एकेडमी, इसके जो शूटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, इन्होंने मेंस टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके खिलाड़ी हैं आपके इस एकेडमी के ईश्वर प्रताप सिंह तोमर, हर्षित बिजवा और गोल्डी गुर्जर। ये तीन खिलाड़ी शूटिंग से जुड़े हुए हैं, इन्होंने 50 मीटर राइफल सीनियर मेंस टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ईश्वर प्रताप सिंह का नाम आपको लगातार मिलता रहता है, इसलिए इनका नाम याद हो गया होगा। हर्षित बिजवा और गोल्डी गुर्जर ये भी साथ में थे, ये टीम इवेंट था जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जीता है। वही 50 मीटर जो राइफल थ्री पोजीशन सीनियर में सिविलियन टीम इवेंट था, इसमें एकेडमी के हमारे अमित कुमार, हर्षित बिंजवा भी थे और याकूब सिद्दीकी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तीसरा स्वर्ण मध्य प्रदेश के लिए थ्री जूनियर्स टीम में अविनाश यादव, अमित सिंगरोले और आदर्श ने जीता है। वहीं पे जूनियर मेन सिविलियन की इवेंट की बात करी जाए तो समीरुल्ला खां, अमित सिंगरोले, इन्होंने भी, आदर्श तिवारी है, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। चैंपियनशिप एकेडमी में जो हमारे हर्षित बिंजवा है, इन्होंने मेंस एकल जो इवेंट हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। तो आपको हर्षित बिंजवा एक नया नाम मिल रहा है, इनका नाम याद रखना है। ऐश्वर प्रताप सिंह तोमर का नाम आपको याद हो चुका होगा, और ऐश्वर प्रताप सिंह ने इसी में सीनियर मेंस एकल में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। ये ठीक है, इनके नाम हमें याद रखने हैं, चार शूटर हैं। पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। स्वयं सिद्धा स्वावलंबी ट्रेड फेयर, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में होने वाला है, इसका आयोजन किस जिले में किया जाएगा। तो जो इसका आयोजन है ये कटनी जिले में किया जाने वाला है, ये ट्रेड फेयर है, राज्य स्तरीय औद्योगिक मेला लगने वाला है, 16 से 18 दिसंबर तक लगेगा कटनी में, और उस समय पे क्या घोषणाएं होती, सरकार क्या करती वो हम देखेंगे। ये राज्य स्तरीय जो आयोजन होगा ये दो विभाग मिलकर करेंगे, पहला जो है हमारे मध्य प्रदेश का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग जो है मध्य प्रदेश का वो करेगा, साथ ही में एक नया नाम आ रहा लघु उद्योग भारती, ये दोनों विभाग मिल करके इसका आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो क्या कहते हैं उद्योगपति हैं वो आएंगे हमारे मध्य प्रदेश के, और जो नए नए हैं जिन्हें अपना अपना उद्योग स्थापित करना है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। सूक्ष्म लघु उद्यम जो हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट है, विभाग है, मंत्रालय है, इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चल रही है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो ये सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, ये सब कुछ वहां पर रहेगा। बात करें हमारे यदि एमएसएमई विभाग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो इसकी स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। और मध्य प्रदेश की यदि आपसे नीति, कई बार नीतियों से प्रश्न आ जाते हैं, तो हमारे यदि एमएसएमई प्रोत्साहन नीति जो चल रही है वो 2021 चल रही है। लघु उद्योग भारती अब एक स्वतंत्र संगठन है, ये आप समझ जाइए, ये सरकारी संगठन नहीं है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, भारत में सूक्ष्म और लघु उद्योगों का एक पंजीकृत अखिल भारतीय संगठन है। और भारत में जब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो इन्होंने जो हमारे आज की डेट में आप देख रहे हैं सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री, इसका पहली बार मंत्रालय भी उन्होंने ही गठित किया था, और इसी लघु उद्योग भारती की डिमांड पर किया था, इन्होंने सुझाव दिया था, और एक तरह से आप ये कह सकते हो ये संघ से जुड़ा हुआ संगठन है। तो इनकी डिमांड पर ही एक मंत्रालय गठित किया गया था केंद्र सरकार में, सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्रालय, जिसकी पहली मंत्री जो थी वसुंधरा राजे सिंधिया थी,
जो कि आप राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, ये पहली सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री रही हैं और गठन भी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट पे किया गया था। आप सभी से हमने कल एक प्रश्न पूछा था, प्राचीन सांका श्याम मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। मेरे को सिर्फ एक जानकारी थी कि ये नरसिंहगढ़ जिले में है, लेकिन आप सभी लोगों ने इतनी सारी जानकारियां दे दी हैं कि सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी मिल जाएगी। आप सभी लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि संख्या बढ़ती जा रही है। चंद्र किरण लगातार आंसर देते थे, शमशेर पटेल हो गए, मंगल मीना हो गए, रिमी पटेल, नीलिमा और मोहर क्या कहते हैं मोहर सत्यपाल भदौरिया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम ले पाना भी नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन 25 से 30 लोग हैं जिन्होंने काफी डिटेल्स में आंसर दिया है। और इसका डिटेल में मैं डिस्कशन इसलिए बंद कर दिया हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप सभी लोग इतनी डिटेल दे जाते हैं कि उसको फिर ज्यादा डिटेल हमारे पास बचती नहीं बताने को, एक तरह से आप लोग मुंह बंद कर देते हैं। और ये प्रश्न हमने एक छोटा सा प्रश्न पूछा था कि प्राचीन सांका श्याम मंदिर कहाँ पर है, लेकिन इसके साथ साथ हमें गुना सॉरी राजगढ़ और नरसिंहगढ़ दोनों की इतनी सारी जानकारियां मिल गई हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न आज की डेट में व्यापम का एग्जाम हो या पीएससी का एग्जाम हो वहां पर पूछे जा रहे हैं। कांच मंदिर एक बार पूछ लिया गया था, जो इंदौर में रहते हैं उन्हें तो पता था, उन्हें भी नहीं पता था बहुत सारे लोगों को कि कांच मंदिर है का, जो वास्तविक रूप से इंदौर में रहते हैं, जैन समुदाय का मंदिर है, राजवाड़ा में है, वहां से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था। तो ऐसे प्रश्न हमारे पास कई बार आ जाते हैं, टकरा जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न पे इतनी सारी यहाँ पे हमें जानकारी अपडेट हो गई कि सांका जो है पार्वती नदी के पास स्थित है, एक छोटा सा गांव राजगढ़ तहसील की एक तहसील है और पास में ही है। यहाँ पर मकर संक्रांति में एक मेले का भी आयोजन होता है। 16वीं 17वीं शताब्दी में ये राजा संग्राम सिंह की स्मृति पे बनवाया था, इनकी पत्नी के द्वारा बनवाया गया था, और यहाँ पर जो राजा हाजी अली था मुगल सैनिक था उसकी मुठभेड़ भी हुई थी। तो ये पूरी की पूरी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हुई है। जिन्हें भी आप करंट अफेयर्स देखते हैं, एक बार एग्जाम गुरु जिन्हें ये हार्ड देता है, ठीक है, आप सभी लोग एक बार उनको जरूर पढ़ा करें क्योंकि आप सभी को इस प्रश्न से जुड़ी हुई, इस जगह से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। आप सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये मान के चलिए हमारा भी करंट अफेयर्स का पूरा दिन बन जाता है। शाम को जब करंट अफेयर बना रहे होते हैं, आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हुई, क्योंकि आप लोगों को जिस प्रकार से ये जानकारी दे रहे हैं, आप समय देते हैं। मुझे भी इसे पूरा पता है कि ये जो आंसर्स टाइप करने में या इसको लिखने में इतना आसान नहीं होता, इसके आप फैक्ट्स चेक करते हैं इसके बाद लेके आते हैं, लेकिन इसका लाभ आप सभी को मिलेगा इतना तो मुझे विश्वास है। और आप सभी का एग्जाम के बाद आप लोगों के करंट अफेयर्स में कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे कि आप सभी को क्या क्या लाभ मिला। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपसे वहां टकराएंगे, और आपके जब कमेंट आएंगे तो ये बोल सकते हैं कि हमारी भी मेहनत सफल होगी और आप सभी की भी मेहनत सफल होगी। और जो आज का मोटिवेशन था आजाद का कि हमारी एक स्वयं की लड़ाई होती है, हमारा स्वयं का एक बोलते हैं लक्ष्य होता है जिसके लिए हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, उससे जूझते रहते हैं, और जिस दिन सफल होते हैं उस दिन एहसास होता है कि पीछे हमने कितनी मेहनत करी थी, कितना परिश्रम किया था, और फिर उसका जो आनंद होता है उस संघर्ष को याद करने का, वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो एक लंबा संघर्ष करता है। कोर्ट के डिसीजन कुछ भी आए, दुनिया में कुछ भी चले, हमें उस पे नहीं जाना, हमें उस दिन को देखना है कि जिस दिन हमारा लिस्ट में नाम होगा, हम अपना रोल नंबर डालेंगे, रिजल्ट आएगा और हमारा नाम होगा, वो समय क्या होगा उसके बारे में हमेशा सोचिए और उसके लिए मेहनत करिए। बाकी ये एक संघर्ष है, सभी के जीवन में होता है, होगा, आगे भी आएगा, लगातार आएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि एक फ्रिक्शन होता है, जब तक किसी चीज में संघर्ष नहीं होता, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि कोई वस्तु आगे तभी बढ़ती है जब उस पर घर्षण होता है, यदि फ्रिक्शन ना हो तो वो आगे ही नहीं बढ़ती। तो ये एक प्रकार का जो संघर्ष होता है इसको आप फ्रिक्शन मान के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आता है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। चलते चलते आज का प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क, सहस्त्र शिवलिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके आपको देना है, और उस जिले के बारे में, उस शिवलिंग के बारे में, उसका क्या इतिहास रहा है उस जगह से और जुड़े हुए जो तथ्यात्मक तथ्य हैं, ठीक है, जो प्रश्न उसमें हमें आ सकते हैं, जानकारी है, वो हमें उसके बारे में बता दी। ज्यादा नहीं, 5 लाइनों पे उसका आंसर राइट करना। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरु जी उनको लाइक देगा, जिनके आंसर अच्छे होंगे उनको एग्जाम गुरु जी हार्ड देगा। आप सभी के कमेंट लगातार बढ़ रहे हैं और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारी जो एक मेहनत होती है जब आपके कमेंट पढ़ते हैं, आप लोगों का पार्टिसिपेट देखते हैं कि आप लोग काफी ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम सही जगह मेहनत कर रहे हैं और हम एक सही डायरेक्शन में हैं। और डायरेक्शन का आइडिया देखिए हमें आपसे ही मिलना है। आप सभी लोगों को यदि कोई सुझाव है, आपके दिमाग में कुछ है आइडिया कि सर करंट अफेयर में ये चीजें भी की जाए,
तो आप लोग सुझाव जरूर दीजिए, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। साथ ही में करंट अफेयर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, बाकी का सेल्फ मोटिवेटेड तो रहते हैं, ठीक है। और हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होगी, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।